डीएवी महाविद्यालय कांगड़ा के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो शुरू किया उसको बेटियों ने चरित्रार्थ किया है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में बेटियां अपना योगदान देश के लिए दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस आयु में जो बेटा बेटी जितना गंभीर और जिम्मेदार होगा और जितना अपने गुरुजनों और माता पिता के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए, साथ ही अपनी पढ़ाई में अपना मन केंद्रित कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे छात्र निश्चित रूप से अपने जीवन के हर मोर्चे पर सफल रहते हैं। उन्होंने छात्र संगठनों से नशे को जड़ से उखाड़ने का आह्वान भी किया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि मेहरचंद महाजन डीएवी कॉलेज प्रदेश का सबसे पुराना शिक्षा संस्थान है, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के कोने कोने के छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। डीएवी संस्थान पूरे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी काम भी कर रहा है, जिसके लिए कॉलेज प्रबंधन व कार्यरत स्टाफ बधाई का पात्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया, मैं समझता हूँ आज बेटियों ने उसको चरितार्थ कर दिया और एक क्षेत्र नहीं है, अभी तो हम देखते हैं आज हमारी बेटियां डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जजेज हैं, पायलट हैं, सीमाओं पर देश की रक्षा करने के लिए AK-47 कंधों पर लेके और भारत की सुरक्षा में भी वो अग्रणी है, उसका आधार है। जो बेटा बेटी इस आयु में जितने गंभीर होंगे, जितने जिम्मेदार होंगे, जितना गुरुजनों और माता पिता के प्रति समर्पण भाव रखेंगे और अपनी पढ़ाई में शिक्षा में जितना मन को केंद्रित करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, वो निश्चित रूप से जीवन के हर मोर्चे में सफल होते हैं। गांव की डीएवी कॉलेज कांगड़ा शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहा है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। एच टुडे के लिए धर्मशाला से निरभजीत निप्पी की रिपोर्ट।